नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मेरठ के नौचंदी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे रफीक अंसारी 32 साल पहले जब बवाल हुआ था तब वे पार्षद थे। सभा के टिकट पर वे लगातार 3 बार पार्षद चुने गए। 2012 में सभा के टिकट पर मेरठ सीट से विधायक का चुनाव लड़ा लेकिन भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सामने हार गए। चुनाव हारने के बाद भी रफीक को सपा सरकार में हथकरघा एवं पर्यटन विभाग में दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया। 2017 में अंसारी ने फिर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सामने चुनाव लड़ा और उन्हें हराकर पहली बार विधायक बने। 2022 में कमल दत्त शर्मा को हराकर दोबारा विधायक बने। इस दौरान 101 गैर जमानती वारंट जारी हुए लेकिन रफीक अंसारी उन्हें अनदेखा करते रहे। 1992 में हापुड़ रोड पर मीट की दुकानों को लेकर अंसारी और कुरैशी बिरादरी के लोगों में मारपीट हो गई थी। भीड़ ने तोड़फोड़ करते हुए आगजनी कर दी थी। इस मामले में लिसाड़ी गेट और नौचंदी थाने में आईपीसी की धारा 147, 427 और 436 के अंतर्गत 2 मुकदमे दर्ज किए थे। 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था। विवेचना में पुलिस ने मौजूदा पार्षद रफीक अंसारी और हाजी बुंदू को भी आरोपी बना दिया था। पुलिस ने इस मामले में सन 1995 में 22 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। 18 लोगों का नाम साक्ष्य नहीं होने के कारण मुकदमे से निकल गए थे। वर्ष 1997 में संबंधित अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। रफीक अंसारी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर 12 दिसंबर 1997 को उनके गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। इसके बाद रफीक अंसारी के 101 गैर जमानती वारंट जारी हुए। सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद भी रफीक कोर्ट में पेश नहीं हुए, वे हाई कोर्ट चले गए। उनके वकील ने पक्ष रखा कि 15 मई 1997 को फैसले में कोर्ट ने 22 आरोपियों को बरी कर दिया था, ऐसे में उनके खिलाफ केस में कार्रवाई रद्द की जानी चाहिए। इसे कोर्ट ने नहीं माना। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिए कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए गैर जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। अगर वह अब तक तामील नहीं हुए हैं तो अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर कर दिया जाएगा। अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 28 मई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश कोर्ट ने दिए। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के निर्देशन में टीम गठित की। पुलिस ने विधायक के घर दबिश की लेकिन वह वहां से निकल गए। कई दिन से पुलिस ने उनकी तलाश में जुटी हुई थी। विधायक को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान कोई बाधा न उत्पन्न करे, इसको लेकर आरपीएफ और 9 थानों की पुलिस को सिविल लाइन थाने में बुला लिया गया था। कोर्ट में पेश किए जाने से लेकर जेल में दाखिल किए जाने तक करने का बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। कचहरी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रखा गया। कमिश्नरी चौराहा, जेल चुंगी चौराहा, ईव्ज, बच्चा पार्क चौराहा, नौचंदी में तिरंगा गेट से लेकर लिसाड़ी गेट तक बड़ी संख्या में पुलिस सड़कों पर तैनात रही। पुलिस क्यूआरटी की कड़ी सुरक्षा में सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार ने रात 8:55 पर विधायक रफीक अंसारी को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान रफीक अंसारी ने कुछ भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।